नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट जारी करी गई है उसी के बारे में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। और अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और यूपी पुलिस से आने वाली पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट के बारे में बताया गया है। 15 अप्रैल के बाद जारी होना है कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट। टेक्निकल समस्या बनी बड़ी वजह, रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी, जाने पूरी जानकारी। तो यहां पे सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है, एक ऐलान हुआ है 15 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और चुनाव से पहले ही आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और टेक्निकल समस्या की वजह से अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप सभी को मैं अपडेट का टाइम दिखा देना चाहता हूं। आप लोग यहां पे अपडेट भी देख पाएंगे। अपडेट है 7 अप्रैल 2019 का और 10:07 PM यानी कल के दिन का अपडेट है। तो सबसे पहले अपडेट लेकर आ रहा हूं। आप लोग यहां पर देख पाएंगे यूपी पुलिस रिजल्ट 15 अप्रैल के बाद किसी भी समय ऑफिशियल वेबसाइट upppv.gov.in पर जारी किया जाएगा। हाल ही में यूपी पुलिस ने कॉन्स्टेबल परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी की। इसके अलावा हमारी एक कर्मचारी से बात भी हुई है। आगे देखें रिजल्ट को लेकर क्या कहा पुलिस कर्मचारी ने। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग यहां पे भी शॉर्ट में देख पाएंगे यूपीपीआरपी भी 15 अप्रैल के बाद जारी कर दिया जाएगा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग यहां पर देख पाएंगे नई दिल्ली की तरफ से अपडेट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल के बाद किसी भी समय पर जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि 49,568 पदों पर भर्ती का रिजल्ट 15 अप्रैल के बाद ही जारी किया जाएगा, यानी कि लगभग ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपका किसी भी टाइम में जारी हो सकता है। यह एक अपडेट थी, लेकिन मार्च के अंत तक भी आपका रिजल्ट आना था, लेकिन लगभग 15 दिन लेट रिजल्ट आने वाला है। यहां पर कहा जा रहा है कि आगे हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि सर्वर के चलते रिजल्ट में देरी हो रही है। अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी युवकों का इंतजार भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो सर्वर प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया बड़ी वजह है, और लेकिन रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अभी तक रिजल्ट न जारी होने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होने के लिए सर्वर को मजबूर करना होगा, अन्यथा साइट क्रैश हो सकती है। तो जैसे कि ये पहले वाला अपडेट है कि बताया गया था कि सर्वर प्रॉब्लम, और इसके लिए हमारे तकनीशियन काम कर रहे हैं, जैसे ही काम पूरा होगा हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो इनके तकनीशियन जो है तो वर्क कर रहे हैं सर्वर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव से पहले इस भर्ती को पूरा करना है, इसलिए 15 अप्रैल तक यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि चुनाव से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। एक भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है, एक दूसरी भर्ती प्रक्रिया ये भी है। तो 15 अप्रैल तक इन सभी चीज़ों का काम जो है तो पूरा हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट upppv.gov.in पर जाकर चेक कर पाएंगे। उम्मीदवारों को 2000 रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगिन करना होगा। ये रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में भी जारी हो सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 49,568 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी। कॉन्स्टेबल के 49,568 पदों पर नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी किया गया था। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण देना होगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वालों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्टेप बताए गए हैं आपके रिजल्ट को चेक करने के लिए, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। जैसे रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है या फिर रिजल्ट ही आता है तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ चेक करके बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।